नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगलम की दोस्तों मैं चंडीगढ़ से स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हूं। दोस्तों ये है हमारे मनी माजरे की एक ग्रीन बेल्ट की बाजू में ही है। देखिए यहाँ कम से कम आए दिन मतलब यहाँ सफाई करते रहते हैं हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी जो है वो लोग काम करते रहते हैं, सफाई रखते रहते हैं, फिर भी लोग मानते नहीं है, आके सिर्फ यही कूड़ा कचड़ा डाल के चले जाते हैं। कितनी बार समझाए, कम से कम यहाँ बहुत सारे जागरूकता भी फैलाए कूड़े कचड़े को लेके यहाँ ना डाला जाए, तो फिर भी नहीं मानते, फिर भी देखिए यहाँ सब डालते हैं, फिर भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कर्मचारी जो आए दिन सफाई करते रहते हैं। तो प्लीज लोगों को मुझे ये समझाना है कि आप अपने घर पे भी अलग अलग करके, जैसे गीला कचरा क्या है, क्या सूखा कचरा क्या है, सब अलग करके रखिए। और इसके साथ साथ जो नुकीली चीज होती है, ये कांच के टुकड़े होते हैं, है ना, और उसके साथ साथ बैटरीज होती हैं, ये सब अलग रखिएगा। और जैसे बच्चों के पैड होते हैं, डायपर होते हैं, या मतलब जैसे कोई सैनिटरी आइटम्स होते हैं, जो वो सब आइटम्स अलग रखिएगा। जो सब अलग अलग रखिए, आप अपना डस्टबिन में अलग अलग डस्टबिन भी रखिएगा। जितनी हम स्वच्छता रखेंगे, जितनी अपने सफाई रखेंगे अपने घर जैसे, अपने बाहर जो एरिया है हमारे उसको भी हम अपना सफाई रखना जरूरी है। मैंने ये बात कही थी कि जैसे नुकीली चीज हो गया, जैसे ब्लेड हो गया, है ना, जैसे कांच के टुकड़े हो गए, ये सब के लिए अलग एक डस्टबिन रखिएगा, क्योंकि उसको ना गीले कचड़े में मिलाइएगा ना सूखा कचड़े में मिलाइएगा, किसी में नहीं मिलाना। उसके लिए नुकीली चीज हो गई या ब्लेड हो गया या कांच के टुकड़े हो गए या बैटरीज हो गई, ये सब जैसे अलग एक डस्टबिन रखिएगा, उसी में रखिएगा, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। हमारा कर्मचारी जो है वो जब भी हैंड कहते कि ग्लव्स डाल के जो काम करते हैं, जो उनको पता नहीं लगता अगर कोई ब्लेड होता है या नुकीली चीज होती है या कांच के टुकड़े होते हैं, हाथ कट जाते हैं उससे, तो खुद के जैसे बहुत सारे जानवर आते हैं, गाय आते हैं, कुत्ते आते हैं, या सब मुंह मारते हैं, तो उनके मुंह में भी जख्म हो सकते हैं, अगर ब्लेड होता है जैसे खाने की चीज में, या उसके साथ साथ या कांच के टुकड़े होते, वो उनको क्या पता होते कि या खाने की चीज है बोल के, जब भी वो अगर मुंह मारते हैं तो फिर उनको मुंह में जख्म हो सकता है। इसके लिए आप सब ये सब अलग रखिएगा, और जितनी हो सके गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, आप समझिएगा। गीला कचरा वो होता है जैसे सब्जियों का छिलके हो गया, है ना, और फल फ्रूटों का छिलके हो गया, जैसे घर में अगर कोई खाना बचा भी है, या चाय पत्ती हो गया, ये सब गीला कचड़े में अलग से रखिएगा। और सूखा कचरा जो होता है जैसे चॉकलेट पेपर्स हो गया या वाइपर्स हो गया, मतलब जैसे उसके साथ साथ जैसे चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, ये सब का जो कवर्स जो होता है जैसे, ये सब सूखे कचड़े में आते हैं। आप सब समझिएगा, जितनी हो सके उतना सहयोग कीजिएगा हमारी अपनी चंडीगढ़ सिटी को ब्यूटीफुल रखने के लिए, आप सब सहयोग दीजिएगा। प्लीज बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं आप सबकी काजल मंगलम की स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हूँ चंडीगढ़ से। नमस्कार।